ओके हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। गाइस, लास्ट क्लास तक हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कर चुके थे। ऑब्लिक मतलब कि तिरछा वाला प्रोजेक्टाइल, है ना। तिरछा मतलब टिल्टेड, जिसमें आप जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे आप जमीन से फायर किया करते थे, कुछ इस तरीके से। देखिए बच्चों, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की मैं बात करूं तो ये अपने पास में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एक निश्चित एंगल बना करके अगर आप थीटा डिग्री पर फायर करते थे तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जा करके और ग्राउंड पर यहाँ आया करता था। और बच्चों, मैंने सारी चीज़ डिस्कस करी और मैंने एग्जाम में बोला भी था कि आप लोग के एग्जाम में पक्के पक्के या तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा, मतलब इसका इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला होता था एक्स टेन थीटा वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक ऐसा होता है। ओके, या तो आपके पास में मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, या तो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी एग्जाम में, सो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना जी, या तो ये आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो आई होप कुछ ना कुछ तो एग्जाम में पूछा गया होगा प्रोजेक्टाइल से। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब। टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैंने बताया था टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट ही आया था, पक्की बात कही थी मैंने, आता है हर बार एग्जाम में आता है और आया भी। अब गाइज, हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्या डिस्कस करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो दिख रहा है, क्लियर है ना एकदम। बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी तक आपने जो प्रोजेक्टाइल फायर किया था वो आपने ग्राउंड से किसी एंगल को बनाते हुए फायर किया था, बट अब जो प्रोजेक्टाइल है वो आपको क्या करना है, आपको किसी पर्टिकुलर हाइट पर, जैसे मान लो आप यहां पर इस हाइट पर बैठे हो और यहां से आपने कुछ फायर किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कुछ फायर किया, तो ये जो पार्टिकल है यू वेलोसिटी से है तो इस तरीके से आते हुए फाइनली जमीन पर टकराएगा। बोलो टकराएगा कि नहीं टकराएगा, तो ये कहलाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज। आपको इसमें क्या दिया रहेगा, आपको हाइट h दी रहेगी, आपको हाइट h दी रहेगी। ओके, अब देखिए यहां पर इसमें यदि मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कितनी है, u है, और मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, तो बेटा आपने y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी दी नहीं है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। यस और नो। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का, तो x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो x डायरेक्शन का कितना होगा एक्सेलरेशन, जीरो। बट y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ग्रेविटी एक्ट करेगी तो कितना हो जाएगा, माइनस जी। बोलिए सुनो, ऐसे करते 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 बेटा यहां पे देखो वेलोसिटी जीरो है, बट जब ये आगे जाएगा तो वेलोसिटी u वाली तो कांस्टेंट रहेगी, बट नीचे की थोड़ी सी वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, और आगे जाएगा तो u तो कांस्टेंट रहेगी, नीचे की और बड़ी वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, और आगे जाएगा तो वेलोसिटी u तो कांस्टेंट रहेगी और बड़ी जनरेट हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से पार्टिकल मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यस कि नो, पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा। अब बेटा हमें क्या निकालना है, अब हमें दो चीजें निकालनी है, नंबर इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, दूसरा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ओके, एंड देन इसकी निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि बेटा मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी इसमें दी रहेगी h, h हाइट से तो फेंक ही रहे हो। चलो तो कैसे करते हैं, देखो तो देख लो भाई इसको शुरुआत करने का तरीका। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट O। ये देखिए भाई साहब, ये पॉइंट O है जिससे इसको फेंका गया है, एट सम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u, आपने इसको u वेलोसिटी से फेंक दिया। बोलो यस और नो। ओके, मतलब ux कह लो या vx कह लो, दोनों किसके इक्वल है बेटा, u के इक्वल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कह लो x डायरेक्शन की या फाइनल वेलोसिटी, दोनों किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ठीक है ना। अब आइए, सो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u है, एंड एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। अगर मैं बात करूं y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, जी। यस और नो, क्लियर हो गया ना। बोलिए अब हमें जो है इसको माइनस जी ले लो, अब हमें इसका बनाना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल चलते 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 किसी पोजीशन पे आ चुका है, और इस पोजीशन पे इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। क्या है, एक्स कॉमा वाई। यस और नो। तो इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है डाउनवर्ड कितना ट्रेवल किया है बेटा, वाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। बोलो यस और नो। तो x ये यहां पर जो है हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है बेटा, x एक्सिस में x ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किया है x, और y डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है y। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। तो देखिए मान लो यहां पर ये x इस पॉइंट पर x ट्रेवल किया है, इस पॉइंट पर y ट्रेवल किया है, और यहां पर ये जो टाइम है, यहां इस पॉइंट पर टाइम हुआ है स्मॉल t, कितना हुआ है टाइम
स्मॉल टी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। तो चलिए स्मॉल टी टाइम हुआ है तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन का निकालता हूं। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता। तो अगर एस डायरेक्शन की बात की जाए तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इन टू टी प्लस वन अपॉन टू ए एक्स इन टू टी का स्क्वायर। बोलिए यस या नो। तो एस एक्स जो होगा एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, यू एक्स कितना बेटा यू, और टाइम कितना लगा है टी, और प्लस ये तो जीरो हो गया एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन का। तो मतलब कुल मिला के एक्स इक्वल टू कितना आ गया यू टी। तो यहां से टी इक्वल टू कितना आ गया एक्स अपॉन यू। टी इक्वल टू कितना आ गया एक्स अपॉन यू। तो सबसे पहले मैंने एक्स डायरेक्शन की मोशन ट्रेवल कर ली है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन से कितना आ गया एक्स इक्वल टू यू टी, एक्स इक्वल टू यू टी। यहीं पर मैं लिख देता हूं कि टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, जो हमको आगे काम में आएगा। क्लियर है। अब चलिए y डायरेक्शन की हम निकालते हैं, y डायरेक्शन की मोशन को देखते हैं कि y डायरेक्शन में कैसे मोशन होगी। तो y डायरेक्शन में आपने देखा कि पॉइंट जो है, जो अपना पार्टिकल है, वो चल करके यहां से कुछ दूर नीचे पहुंच गया। यहां पे मान लो इसकी पोजीशन कितनी है x कॉमा वाई। तो यहां पर ये इसकी जो पोजीशन है बेटा वो वाई है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वाई। तो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। से मैं y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई इन टू टी प्लस वन अपॉन टू ए वाई इन टू टी का स्क्वायर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ है वाई, यू वाई कितना है जीरो, क्योंकि y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, यहाँ तो जीरो थी वेलोसिटी। हाँ या ना। यू वाई जीरो इन टू टी प्लस वन अपॉन टू, एक्सलेशन कितना होता माइनस जी और टी का स्क्वायर। बोलिए सुनो। तो y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। और अभी अभी मैंने t की वैल्यू कितनी निकाली है x अपॉन u। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस वन अपॉन टू जी और t की जगह x बाई यू का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना u स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन अपॉन टू जी अपॉन u स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो ये देखिए क्या दिख रहा है, ये y है, ये y के इक्वल है कि नहीं है। अब देखिए y और x की रिलेशनशिप है तो कैसी है, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। और निगेटिव में है मतलब नीचे वाला पैराबोला, क्योंकि ये देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स आ चुकी है बच्चों, आप समझ लो, काम की बात समझ लो। एक टर्म है y इस तरफ और एक टर्म है कितना एक्स स्क्वायर। तो आप देखा करो पावर वन किसकी है, y की है। किसकी पावर वन? y की है। और साथ में क्या लगा है, निगेटिव लगा है ना, मतलब डाउनवर्ड y की तरफ पैराबोला बनेगा। देख लो y एक्सेस में डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो देखिए किस तरफ बन रही है, y में डाउनवर्ड बन रही कि नहीं बन रही है, y एक्सेस को खोल करके कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी आ चुकी है, ये देखिए। हाँ, यहाँ से सो लिखा है हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये बन गया, बोलिए क्लियर बन जाएगा ना। तो टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू रख दी और आपका ये आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलिए क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब आपको निकालना है, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई। आप किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। फॉर सपोज मैंने कहा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके इसी पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो, इस पॉइंट पर, चलो या इस पॉइंट पर, बोलो हाँ। आप इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल रहे हो, ये देखो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर। तो बेटा यहां पर दो वेलोसिटी है, एक है वी एक्स और एक है वी वाई। बोलो हाँ या ना। एक है वी एक्स, एक है वी वाई। बेटा आपको पता है कि वी एक्स तो यू के इक्वल है, बोलो है कि नहीं है। वी एक्स किसके इक्वल है? यू के, क्योंकि यू डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में चेंज हुई नहीं है। तो वी एक्स किसके इक्वल है? आर यू श्योर? है कि नहीं है बेटा? हाँ, सही सही बात बोलना। और वी वाई एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, तो फॉर्मूला लगेगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का। बोलो हाँ ना। तो वी वाई यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई। बोलिए सुनो। तो वी वाई किसी पॉइंट पर इक्वल टू यू वाई कितना है बेटा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन की? जीरो है ही नहीं है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और प्लस ए वाई कितना है? माइनस जी इन टू टी, मतलब कुल मिला के कितना हो गया? माइनस जी टी। तो एक डायरेक्ट वेलोसिटी आ गई यू और एक वेलोसिटी आ गई कितनी? माइनस जी टी। तो एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी आ रही है, एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी आ रही हैं। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? यदि मैं इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूं वी, तो कैसे निकलेगी आइए देखते हैं।
आपने देखा एक पॉइंट पर एक निकली है वी एक्स और एक डाउनवर्ड वेलोसिटी निकली कितनी वी वाई, यस और नो? तो आप इसको कैसे लिखते हैं इसके रिजल्टेंट को? इसके रिजल्टेंट को लिखते हैं आप नेट वेलोसिटी वी इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो एक एक्स एक्सिस में जाएगी तो वी एक्स आई कैप और एक जो वाई एक्सिस में तो वी वाई जे कैप। तो भैया वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स कितना निकला है यू आई कैप और ये कितना निकला अभी अभी निकाला था सर माइनस जी टी ना, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा माइनस का जी टी और क्या हो जाएगा के सॉरी जे कैप, यस और नो? अब वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इक्वल टू आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है यू, तो यू का स्क्वायर और प्लस करके इसका कोएफिशिएंट क्या माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो बेटा आ गया आंसर में कितना यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ जी बच्चे। ये देखो तो ये वेलोसिटी का देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकला है यू और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड लिख दिया, मैंने डाउनवर्ड नहीं लिखा तो क्या लगा दिया माइनस जी लगा दिया। बोलो है ना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो वी स्क्वायर इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जी टी स्क्वायर। क्लियर है? अब टेन थीटा निकालता हूं डायरेक्शन, क्या निकालता हूं डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बेटा? ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, हाँ है ना? इस डायग्राम को अच्छे से बना दूं बेटा मैं, ये देखो ये हो गया वी एक्स है और ये क्या है बेटा वी वाई। क्लियर है? ये पैरेललोग्राम बना लो बेटा इसका, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया 90 डिग्री के एंगल पे, ये देखो ये बन गया ऐसे ही से कहता पैरेललोग्राम लो। यहां पर एंगल क्या बेटा थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर बेटा? क्या है वी वाई, वी वाई और बेस कितना बेटा वी एक्स, है ना? तो वी वाई की वैल्यू पुट कर दो, वी वाई की वैल्यू कितनी थी माइनस जी टी, माइनस का जी टी और वी एक्स कितना बेटा यू। तो आंसर आ गया बेटा tan थीटा इक्वल टू माइनस जी टी बाई यू। ये देख लो एनी प्रॉब्लम बन जाएगा। निगेटिव एंगल क्या दिखाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या दिखाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बताया ना मैंने मैथ्स में, है ना? याद करो यार एंगल पढ़ाए थे जब मैंने आप लोग को। तो दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल तो ये कहलाता है प्लस थीटा और एक होता है क्लॉकवाइज एंगल तो ये क्या कहलाता है माइनस थीटा। याद आया? तो नेगेटिव एंगल आ रहा ना, तो नेगेटिव एंगल क्या होगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो क्लियर है बच्चों? नहीं है क्लियर क्या? चलिए अब देखते हैं बेटा किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार फिर से डायग्राम में मेरे वापस आ जाओ और मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाता हूं बेटा। देखिए यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात की, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आया है, यहां पर इस पोजीशन है एक्स और इसकी पोजीशन क्या है वाई, है ना? तो एक्स तो एक्स ही चला था, बोलो हाँ है ना? और वाई आपने कितना निकाला था, मैंने सॉल्व किया था ना वाई की वैल्यू, है वाई सॉल्व हुआ था, हाँ माइनस वन बाई टू जी ये निकला था, है ना? जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो ये देखिए यहाँ पे, तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी एक्स और वाई के टर्म्स में क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट अपने पास, देखिए एक एक्स है एक वाई है। तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकालते हैं ओरिजिन से, इसको मिला देंगे ये सुनो, तो ये देखो ये एक्स है तो एक्स आई कैप और प्लस कितना वाई जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास बन जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट एस वैक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो भैया अपने पास ये तो एक्स आई कैप है और वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाँ है ना? और ये कितना हो गया जे कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का तो आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर और साथ में इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ये देख लो भाई साहब, अच्छा ये टाइम्स के टर्म में, टाइम के टर्म्स में, किसके टर्म में है टाइम, मतलब इसने एक्स नहीं रखा था, टी इक्वल टू जो थी वैल्यू नहीं रखी थी तो इसने टाइम के टर्म्स में निकाल दिया। क्लियर है? तो देखिए एस वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मार प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना आया था बेटा आपको देखा होगा यूटी आया था ना भाई, एक्स इक्वल टू यूटी सबसे पहले वही तो निकाला अपने, एक्स इक्वल टू यूटी भूल गए तो देख लो एक बार, एक्स इक्वल टू यूटी अपन ने निकाला था, कहां गया ये देखो, एक्स इक्वल टू क्या था यूटी था, हाँ है ना? फिर t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कर दिया था। तो ये टाइम के टर्म्स में x आ गया और टाइम के टर्म्स में y कितना निकला था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ या ना? तो टाइम के टर्म्स में x और टाइम के टर्म्स में y, तो बच्चों यहाँ पे टाइम के टर्म्स में x रख दिया ut और टाइम के टर्म्स में y रख दिया हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की पार्टिकल कब तक हवा में रहा है। तो बेटा पार्टिकल तब तक हवा में रहा जब तक इसकी हाइट h से जीरो ना हो गई हो, बोले ऐसा नो? मतलब टोटल यहां पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है ऊपर से नीचे आने में कितना ट्रेवल किया है माइनस h, कितना ट्रेवल किया है
करा है कि नहीं करा है। तो मैं डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, और उससे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना। तो चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूं भाई ऊपर से नीचे आने के लिए। तो ऊपर से नीचे आने का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों, याद है आप लोगों को जो निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालने वाले हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर से नीचे आने में लगने वाला समय। चलो तो देखते हैं। तो ऊपर से नीचे आने में बेटा टोटल हाइट क्या थी? h। तो जब ऊपर से नीचे गिरोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? माइनस h, हाँ या ना। u क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम y डायरेक्शन में चल रहा है, किस में चल रहा है? y, क्योंकि भैया नीचे आने में y में ही तो ट्रेवल करोगे ना। तो एक काम करो डर से बचने के लिए, यहां भी y, यहां भी y और यहां भी y, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए इसके बाद यू वाई कितना बेटा? जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड है ही नहीं है। यस नो। और इसके बाद प्लस वन अपॉन टू ए वाई कितना बेटा? माइनस जी और टी का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। टू को इधर जान दो कितना हो गया? टू एच, और जी को नीचे चला गया तो टू एच अपॉन जी इक्वल टू कितना? टी का स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी, क्लियर है। सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी बन जाएगा बेटा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गया? ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। हाँ बेटा हाँ, क्यों बेटा? ऊपर से नीचे आए, आपको याद करो ग्रेविटी कहाँ लगती है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो मैंने पढ़ाया था ना कि सारी नीचे की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव। भले ही आप उसी की तरफ जा रहा है, आप दो कंसेप्ट में, आप अगर दो कंसेप्ट लगा रहे हो तो कंफ्यूज हो गए। मेरा कहना है जितनी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगे सबकी सब पॉजिटिव, और जो भी चीज नीचे लगती है वो क्या होती है? निगेटिव। बिल्कुल आप वो रूल फॉलो मत करो कि नीचे की तरफ लग रहा तो एक्सेलरेट होगा तो पॉजिटिव होगा, बिल्कुल नहीं। एक ही रूल लगाइए, ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव और नीचे की तरफ सारी चीजें निगेटिव। समझ में आया ना? हाँ, क्लियर हो गया बेटा। अगर आप नीचे को प्लस जी मान रहे हो तो फिर आपको एच को भी प्लस एच मानना पड़ेगा, ये जान लो। जो आप रूल लगा रहे हो ना, जिस रूल से अगर आप नीचे को प्लस जी बोल रहे हो तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा आपको? प्लस एच। क्या मानना पड़ेगा? समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है ना। तो अब बेटा एक रूल केवल रखो, एक रूल, मेरा रूल क्या रूल कहता है कि ऊपर की तरफ की सारी चीजें प्लस और नीचे की तरफ की सारी चीजें माइनस, बस इसके अलावा आपको बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, मतलब पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, बोलो यस और नो। तो अपन हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो जी यस और नो। तो सारा का सारा मामला किसका है? एक्स का है, तो एक्स में बदल देता हूं मैं इसको। यहां पर मैं हर जगह एक्स लगा देता हूं, यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, बोलो क्लियर। तो एस एक्स का मतलब क्या? रेंज है, बोलो, हो गई ना रेंज। रेंज फॉर आर, यू एक्स वेलोसिटी कितनी है? यू है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? यू। और टाइम टी, भाई टोटल टाइम टी तो लगेगा ऊपर से नीचे तक गिरने के लिए, जो टोटल टाइम टी लगा है तो टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा? जब ये यहां से यहां आकर के नीचे पहुंच चुका होगा तो पूरा टाइम तो यूज हो चुका होगा, मतलब ये जो टी था स्मॉल टी, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी करेंगे कि नहीं करेंगे? और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट टू एच अपॉन कितना जी? प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है एक्स डायरेक्शन की? जीरो इंटू टी का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया? यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो ये बैठा भाई साहब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। ओके अब अगला टॉपिक आ चुका है इसमें, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट एच, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट एच, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हाइट एच फॉल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए तो वाई डायरेक्शन का कंसेप्ट लगा दीजिए, वाई डायरेक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए तो वाई डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है? वी वाई इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, हाँ है ना। तो वी वाई इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है? जीरो। अरे बेटा यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लगेगी ना, बच्चे लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लो यार वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लिखा, ये सब वाई कर दो, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, बोलो ठीक है, क्लियर हुआ। अब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? वी वाई स्क्वायर, बोलो होगा ओम की नहीं होगा। यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी? जीरो, हाँ। प्लस टू जी, वाई डायरेक्शन का जी कितना लगता था? माइनस जी, बोलो हाँ। और एच कितना है? माइनस का एच, माइनस से माइनस कैंसिल। तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ओनली टू जी एच, आ गया कि नहीं आया? ये आ गया टू जी एच। ओके नाउ वेलोसिटी मतलब जब आपका पार्टिकल गिरा है, जब आपका प्रोजेक्टाइल गिरा है, जब आपका प्रोजेक्टाइल गिरा है जिस पॉइंट पर, ये देखिए ये आपका प्रोजेक्टाइल गिरा है, तो इस प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटी हैं क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसा टिल्ट है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक है वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट और एक है वेलोसिटी का
वाई कोऑर्डिनेट। तो वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट तो आपने निकाल लिया बेटा अंदर से, कितना आ गया अंडर रूट टू जी एच। और आपको पता है कि वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट तो यू ही है, क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है, वो तो कांस्टेंट बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ, तो वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट यही है। ये लो भाई साहब, तो दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक यू आ गया और एक आ गया अंडर रूट टू जी एच। बोलिए हाँ है ना। अब इस पॉइंट पर यदि मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इस पॉइंट पर यदि मैं वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बनाऊँ तो लिखूंगा नेट वेलोसिटी वी बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स कितना भाई साहब u, u i कैप, और वी वाई कितना निकला है अंडर रूट टू जी एच और j कैप है ना। और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो अंडर रूट हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्लियर है बेटा? तो ये बन जाएगा वी यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, अब फिर से यदि आपका एंगल निकालने की बात हो रही है, एंगल निकालना है इसका बेस के साथ में, तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। इसका नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दे दिया है? बेटा बोले सुनो, तो अलग से इसका डायग्राम मैं बनाऊं यहां पे, तो ये है बेटा वी एक्स, ये है क्या बेटा वी वाई, ठीक है ना, और ये एंगल बन जाएगा बच्चे बीटा। क्या बन जाएगा? बीटा। ये देखिए, तो टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है वी वाई, परपेंडिकुलर वी वाई अपॉन बेस कितना बेटा वी एक्स, ठीक है ना। तो टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन बीटा इज इक्वल टू वी एक्स, वी वी वाई की वैल्यू कितनी निकाली है अंडर रूट टू जी एच, बोलो हाँ, और बेस की वैल्यू कितनी निकाली है यू, तो आंसर आ गया बेटा अंडर रूट टू जी एच अपॉन यू। क्लियर है? तो ये बन गया टेन बीटा। क्या बन गया? टेन बीटा, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं, तो इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल आपको बिल्कुल छोड़ देना है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ओम, कुछ डाउट है क्या बेटा? पक्का समझ में आ गया ना? अब आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन। क्या आता है? हाँ बेटा, ये दुख, ये एक तरीके से ये आपका टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन का दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू हो चुका है, इन अ प्लेन का पार्ट नंबर टू है ना। एक पार्ट पहला क्या था बेटा? पहले पार्ट में हमने इसके एक्चुअली तीन पार्ट हैं, इस चैप्टर के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। पहले पार्ट में हमने पूरा वैक्टर पढ़ा। क्या पढ़ा? पूरा वेक्टर पढ़ा। वेक्टर पढ़ने के बाद हमने दूसरे पार्ट में पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया। प्रोजेक्टाइल में बेटा दो प्रकार के प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो मैंने पहले पढ़ाया था वो ऑब्लिक था, और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको आपने हॉरिजॉन्टल से बैठ करके फेंका था। आज मैंने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको करा दिया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपके सिलेबस से हट गया है, बट जेई वगैरह के सिलेबस में है तो मैंने पूरा करा दिया है, इंपॉर्टेंट भी है, कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं बच्चों, हम सर्कुलर मोशन देखते हैं, तीसरा पार्ट इस चैप्टर के, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सर्कुलर मोशन क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अराउंड मोशन कर रहा है, यहां से चला ए और चल करके आ गया, समझ गए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब दो तरीके के सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो बिल्कुल फिक्स स्पीड है इसकी, ये सुनो, मतलब जैसे अर्थ, अर्थ जो है सन के अराउंड एक ऑर्बिट में है ना, तो क्या करती है अर्थ जो है 365 दिन में एक राउंड पूरा करती है, बोलो ये सुनो, 365.24 मानते हैं इसको, ये सुनो, मतलब अर्थ की जो स्पीड है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि एक साल अपना 365 दिन का हो और दूसरा साल अपना 95 डेज का हो जाए, मतलब न्यू ईयर अपना 95 डेज में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अपना एक साल 12 महीने का होता है, बोलो होता कि नहीं होता है? मतलब अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म है, बिल्कुल फिक्स स्पीड से चल रही है, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा हो जाए या स्लो हो जाए, बिल्कुल अर्थ फिक्स स्पीड से चल रही है, बोलो हाँ है ना। तो बेटा दो प्रकार के यहाँ पे मोशन होते हैं, एक जो मोशन है जिसमें बिल्कुल पार्टिकल की स्पीड बिल्कुल फिक्स है, और अगर पार्टिकल की स्पीड बिल्कुल फिक्स है तो उसको एक रेवोल्यूशन करने में फिक्स टाइम लगेगा, बोलो हाँ है ना, उस फिक्स टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड, आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसको एक टाइम में, एक बार के रेवोल्यूशन में लगने वाला जो समय होता है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये बेटा कहलाता है टाइम पीरियड। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये कहलाता है टाइम पीरियड, अच्छी बात है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा हूं? फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो आपके पास में कोई बॉडी वन टाइम पीरियड में एक कोई बॉडी, मान लो वन टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू, मान लो 5 सेकंड है, ओके, टी इक्वल टू कितने सेकंड है? 5 सेकंड है, मतलब कि 5 सेकंड में बॉडी कितने चक्कर लगाती है? एक चक्कर। कितने चक्कर लगाती है? एक चक्कर। यस और नो? 5 सेकंड में अगर बॉडी कितने चक्कर लगाती है?
एक चक्कर, तो एक सेकंड में बॉडी कितने चक्कर लगाएगी? 1/5 चक्कर, बोलो ये सुनो, 1/5 चक्कर। इसी तरीके से टाइम पीरियड क्या होता है, एक टाइम पीरियड में बॉडी कितने चक्कर लगाती है? एक चक्कर, बिकॉज वन टाइम पीरियड किसका टाइम होता है? एक चक्कर का टाइम, ये सुनो। तो वन टाइम पीरियड में बॉडी कितने चक्कर लगाती है? एक चक्कर। तो मैं बोलूंगा 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी? 1/T चक्कर, बोलो हाँ ना। तो एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है बॉडी उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/T, 1/T। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना देता हूं, यूनिट बना देता हूं। तो 1 की तो कोई यूनिट होती नहीं है, 1 यानी कांस्टेंट है, और 1/ टाइम की क्या यूनिट होती है? सेकंड। बेटा 1/ सेकंड को बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, क्या होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट? हर्ट्ज। क्लियर हो गया। शक्तिमान एक सेकंड में अपनी जगह में खड़े होकर के 50 चक्कर लगा लेता, कितना चक्कर लगा लेता? 50। शक्तिमान देखा ना आप लोगों ने, वो अपनी जगह पे खड़े होकर एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता? 50। तो एक सेकंड में शक्तिमान के 50 चक्कर हैं, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। आप अपनी जगह में चक्कर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चक्कर लगा पाएंगे अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं एक सेकंड में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? 2 हर्ट्ज। कितनी बन जाएगी? आई बात समझ में? तो बेटा मैंने आपको बता दिया ये होता है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में अगर आप फिक्स टाइम में चक्कर परफॉर्म कर रहे हो और आपकी स्पीड बिल्कुल फिक्स है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई बात समझ में ना? ऐसे सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आने वाला है जो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इस सर्कल पे आपने चलना स्टार्ट किया विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से? 10। तो यहाँ आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इस पॉइंट पर आएंगे तो आपकी स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी जो होती है होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये सुनो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, इस पॉइंट पर आइए आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यूं हो जाएगी, टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल। अगेन इट इज 10 मीटर पर सेकंड। इधर पर आपका चेहरा इस तरफ हो जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी, जो 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पर आएंगे तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, बोलिए यस और नो। तो देखो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है मगर वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? कैसे बदल रही है? इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, इन द सेंस ऑफ। और आपको पता है कि वेलोसिटी के बदलने को बोलते हैं एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं बच्चों, तो एक एक्सेलरेशन आपका सेंटर की तरफ अप्लाई होता है, किसकी तरफ अप्लाई होता है? सेंटर की तरफ। तो इस सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन। अभी मैं प्रूफ कराऊंगा बेटा इसकी वैल्यू होती है v² / r, क्या होती है? v² / r, समझ में आ गया? तो सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलेरेशन होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन, बोलो यस और नो। अजय भैया जहां एक्सेलेरेशन है वहां फोर्स है, जहां झटका है वहां पर बल है, बोलो हाँ या ना भाई। किसी ने झटका दिया तो बल लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? तो एक्सेलेरेशन मतलब कि एक तरीके का शॉक है, झटका लग गया और वहां पर बल है। तो चलिए मैं बल भी बना देता हूं, तो आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल टू मास, तो किसी का होता नहीं है, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। तो बेटा एम की जगह एम और ए सी की जगह कितना आ गया? बोलो v² / r। तो बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, mv² / r, समझ गए? तो ये क्यों लगता है? ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लगता है, स्पीड इसकी कॉन्स्टेंट रहती है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये फोर्स लगता है। क्लियर हो गया? तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। भाई सब सीधे यही कहिए कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे प्लेन में मूव करता है कि ये सर्कल में मूव करे, कह रहा क्योंकि जिसकी डिस्टेंस एक पॉइंट से फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट हो, मतलब भाई फिक्स पॉइंट मतलब एक खूंटा, और खूंटे से फिक्स डिस्टेंस पर मूव करोगे तो क्या बनेगा? सर्कल ही तो बनेगा, यस और नो। तो बात तो वही हो गई, फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर हो या सर्कुलर पाथ में हो, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यस और नो। तो मैं तो कहूंगा इसकी बढ़िया डेफिनेशन ये है कि द पॉइंट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन द टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए देखिए, अब बेटा सर्कुलर मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन कहीं भी होगा
सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि आपका दोस्त स्कूल में जा रहा है, वो टाई पहने हुए, बोलो हाँ या ना, वो सीधे टाई पहन करके, ये दोस्त है, ये टाई पहन करके सीधे चला जा रहा है, बोलो हाँ या ना, आप उसकी टाई को पकड़ेंगे, आप उसकी टाई को पकड़ेंगे, बोलो हाँ, और उसको यदि आपको गोल 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 घुमाना है तो आपकी उसकी टाई पर आपको अपने तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, महसूस करो इस बात को, हाँ या ना। लड़कियाँ हाथों पर हाथ डाल करके वो गेम खेला करती हैं, एक दूसरे का हाथ बांध लेती हैं और घुमाया करती हैं, बोलो हाँ या ना, देखा है वो, हाथ बांध करके गेम खेलती हैं, बोलो यस और नो। उसमें बताइए इस लड़की को, इस दूसरे वाली लड़की को अपने तरफ खींचना जरूरी है कि नहीं है, हाँ या ना। अगर वो इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी तो क्या ये घुमा पाएगी इसको, नहीं घुमा पाएगी, बोलिए हाँ या ना। या दुनिया की कोई भी चीज़ इसको अपन, अगर आपने घर में बाल्टी को भी पकड़ के घुमाया है, आपने अगर घर में अपने हाथों से बाल्टी को भी पकड़ के घुमाया है तो आपने बाल्टी को अपने तरफ खींचा है और बाल्टी को फिर घुमाया है, बोलिए हाँ या ना। ऐसे गेम आपने खेले होंगे कभी, कुछ भी घुमाया होगा, यस और नो। तो आपने महसूस किया होगा भैया कि आपको उसको अपनी तरफ खींचना पड़ता होगा और आप बन जाते होंगे सेंटर और वो चीज़ आपके चारों तरफ घूमती होगी, यस और नो। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है वो कहलाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो उस फोर्स के बिना कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता है, समझ में आया। अगर कभी भी कोई सर्कुलर मोशन है तो आपको वो फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में आया, मतलब सेंटर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की ओर एक फोर्स होना बहुत जरूरी है जिसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। आइए इन फोर्स के अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, ये फोर्स कौन कौन से हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये देखो ये क्या न्यूक्लियस, ये क्या है बोलो न्यूक्लियस है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फोर्स लगाता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, किस फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, किस फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बन जाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसको घुमाता रहता है, बोलो यस और नो। मतलब टाई पकड़ के खींचने का काम कौन कर रहा है, प्रोटॉन, समझ गए ना, या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, बोले यस और नो, ठीक है ना। दूसरा, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये क्लास ट्वेल्थ में आएगा बच्चों, इस पर ज्यादा जोर मत देना, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पर काम कर रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स देने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, बोलो आ गया समझ में। चलिए ये देखिए, ये जो कार है, कार घूम रही है, कार क्या कर रही है, घूम रही है, कार देखिए, कार वर्क सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो कार को अंदर की तरफ घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, म्यू एम जी, म्यू एम जी, ये क्या है म्यू एम जी, ये है अपना फ्रिक्शन फोर्स, क्या है ये, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स बनेगा म्यू एम जी। तो म्यू एम जी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वहां पे क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। क्योंकि जब तक सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं आएगा भाई साहब, कोई भी कुछ नहीं, मोशन हो ही नहीं पाएगी, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगी। तो किसी ना किसी फोर्स को जवाबदेही लेनी पड़ेगी सेंट्रिपिटल फोर्स को क्रिएट करने की, बोलो आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। ये देखिए ये ब्लॉक घूम रहा है इस सिंपल बड़ी चिकनी सरफेस पे, तो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, आर, कौन प्रोवाइड करेगा, आर, देख लो आर सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, आर, आर को क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो आर बराबर एफ सी, एफ सी मतलब सेंट्रिपिटल, बोलो हाँ, क्लियर हो गया। अब ये देखो भैया, यहां पर आप पकड़ करके वो गोला घुमा रहे हो, हाथ में पकड़ के घुमाते ना गोला, यस और नो, गोला घुमाते हैं। तो यदि गोला घुमा रहे हो तो सेंट्रिपिटल कौन फोर्स प्रोवाइड करेगा, टेंशन, कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन, जो आप हाथ से टेंशन दे रहे हो वही, बोले सनो। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सन अर्थ को घुमा रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही बन जाएगा क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स, बोलो आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब बात करते हैं, तो भाई थोड़ा आते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्कस करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए भैया फिक्स पॉइंट है, यहां पे चलना शुरू किया, यहां पर थीटा इक्वल टू जीरो था, कितना थीटा इक्वल टू जीरो से बढ़कर के थीटा बढ़ता गया, यहां पे थीटा इक्वल टू थीटा आ गया। नाउ व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट
टू सम फिक्स पॉइंट, ये बेटा फिक्स पॉइंट पी है, आया ना, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फिक्स पॉइंट ओ है बेटा, पी नहीं है, मतलब फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितना एंगल ट्रेवल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल की परिभाषा क्या होती है बेटा, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो यहां पे आर कितना बना है बेटा, पी क्यू है ना, क्या बना है, पी क्यू। ये बेटा इसका टाइम मान लो टी वन था, यहां पर मान लो कि इसका टाइम टी वन था, कितना था टाइम टी वन, और इसका टाइम कितना है टी टू, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप है वो है T2 माइनस T1, मतलब बोले डेल्टा T, क्या है डेल्टा T। हाँ अब डायरेक्शन की बात करो बेटा, कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, कैसा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, मैंने बताया था एक्सियल वेक्टर, तो बेटा रोटेशन ऐसा हो रहा है तो अपना दाएं हाथ निकालो, ये देखो दाएं हाथ ठाकुर का हाथ, ये देखो यूं घुमाया, बोलो डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर, कहाँ आएगी बाहर, राइट हैंड रूल लगा लो या स्क्रू रूल लगा लो, है ना, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, तो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये देख लो इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस और नो, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ। अब मान लो यही एंगल उल्टा होता तो कहां जाती, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर जाती कि नहीं जाती, तो इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होती है, और इसको राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन, क्या होती है यूनिट, रेडियन, 2π रेडियन, मतलब पूरा पूरा, मैंने मैथ्स में पढ़ाया था 2π रेडियन मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब एक चक्कर, मतलब एक चक्कर को कितना बोलते हैं, 1 रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना, चलो भाई ये तो आपने देखा छोटा सा एंगल थीटा है, हाँ है ना, अगर इसी का और छोटा एंगल मैं ले लूँ, बहुत छोटा, जैसे मान लो ये है आर्क, तो ये आर्क जनरली एस होता है, क्या होता है एस, आर्क की लेंथ होती है एस, तो मैं इसको क्या बोलूँगा डीएस, क्या बोलूँगा डीएस, और छोटी सी रेडियस ले लूँ ये, तो यहाँ पर जो एंगल छोटा सा कहलाएगा बेटा, कहलाएगा डी थीटा, क्या कहलाएगा डी थीटा, स्मॉल एंगल को क्या बोलते हैं हम, डी थीटा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट लार्जर एंगल डिस्प्लेसमेंट थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि बेटा जो छोटा एंगल होता है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में हुआ करता है, इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है, है ना, बाद में इसको कर लेना ड्यू कर दो, कोई खास इस्तेमाल नहीं इसका। चलिए मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बता दी बच्चों, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी इसकी होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब चक्कर पर सेकंड, देखा था आपने एक सेकंड में कितने चक्कर किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यस और नो, तो इसी को हर्ट्ज बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हर्ट्ज, और इसी को बोलते हैं आरपीएस, क्या बोलते हैं आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्लियर, याद हो गया। टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, बोलो ऐसा नो, तो अभी आपने देखा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, बोलो हाँ, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, बेटा तुम कहोगे सर ये एन क्या, बेटा एन का मतलब भी फ्रीक्वेंसी होता है, एन का मतलब भी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के कुछ सिंबल है मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एफ भी होता है, एन भी होता है, न्यू भी होता है, फ्रीक्वेंसी के कितने सिंबल है, 3 सिंबल है, बोलो हाँ है ना, समझ में आ गया नाउ, कोई दिक्कत। अब अगली बात कर दे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, आपने देखा था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, बोलो ऐसा नो, अब यहां पर आपने देखा कि मान लो कोई पार्टिकल ने डेल्टा थीटा टाइम एंगल ट्रेवल किया है ना, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना लग गया डेल्टा टी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बोलो ऐसा नो, बट यदि इसी को इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दोगे और ओमेगा इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आएगी, कितनी बोलो डी थीटा अपॉन डी टी, करा रखा है ना डी थीटा अपॉन डी टी, कोई डाउट है बेटा, हाँ बेटा मैंने हर चीज में बताया था आप लोग को, जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए थे मैंने बताया था बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बोलो हाँ है ना, एवरेज वेलोसिटी, फिर इसको मैं क्या करता था टाइम को जीरो से अप्रोक्सीमेट कर दो तो ये क्या बन जाता था इंस्टेंटेनियस पलक झपकते की वेलोसिटी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इसी तरीके से ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बोलो हाँ, तो पलक झपकते की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डी थीटा अपॉन डी टी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे समझ में, हाँ यस, इसकी यूनिट देख लो बेटा एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, थीटा किस में नापा जाता है रेडियन में और टाइम किस में सेकंड में, तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, कैसी वेक्टर क्वांटिटी एक्सियल क्वांटिटी है, तो वैसे ही जैसे रोटेशन होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस या तो बाहर या प्लेन के अंदर, कैसे निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से,
समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी से फटाफट रिवाइज करिए, ठीक ना, और कल करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो फटाफट बैठिए और इसको रिवाइज करिए। ओके, डन गाइस, थैंक यू सो मच।